सतरीकाल सलाम एंड हेलो टू माई ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो वेजिटेबल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो सबसे पहले तो नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है ये 9 दिन। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज़ जो आपकी हैं उसको इन्वोक कीजिए, अपने अंदर की गॉडेस एनर्जी को इन्वोक कीजिए। इस टाइम पे अगर आप फास्ट नहीं रख सकते हैं तो पूजा ज़रूर करें, प्रेयर करें, नहीं तो यू नो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, मेडिटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो हर लोग यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हैं, कुछ अलग धर्म के लोग भी यहाँ पे हैं। सो इस टाइम पे अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो इस टाइम मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट करें और उनकी एनर्जी क्लेम करें। इस टाइम पे आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन को इस टाइम इन्वोक करने का बहुत सही समय है ये। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एफर्मेशन दें, पॉजिटिव चीज़ों को सुने, अपने अंदर के विकारों को, अशुद्धियों को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश करें। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये 9 दिन बहुत पावरफुल होते हैं, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें और अपने डिवाइन क्वालिटीज़ में वापस आएँ और अपने डिवाइन क्वालिटीज़ को पहचानें। ये बहुत सही समय है, इसको मिस मत करें। ओके, सो आज फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जोडियक साइन की सीरीज में। सो धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे देखें अपनी रीडिंग्स। आप जैसे कन्वीनियंट हो वैसे देखो, जैसे अपनी राशिफल को अभी तक आप चेक करते आए हैं आपको वैसे ही देखना है। नाम के इनिशियल्स अगर आप देखते हो तो वैसे देखें, डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखते हैं वैसे देखें, सन मून राइजिंग जैसे आपको देखने की इच्छा है, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आज तक आप अपनी रीडिंग देखते हैं, अपनी राशिफल को चेक करते हैं वैसे ही आपको देखना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियो सिंह राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर आपके पर्सनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनके साथ। ओके, एंड प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर क्या रहेंगे डिवाइन, कैसी रहेंगी फीलिंग्स मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Okay. Of cups. मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगे डिवाइन 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। प्लीज गाइड मेरे एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे रिवाइन बताएं प्लीज। So, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सजेरियस लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस से हैं। ओके, इनकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी ना कि ये इंसान ओवरऑल अपने लाइफ में पास्ट की बातों को बहुत सोचेंगे, आप किस तरह से पास्ट में आप थे और ये सोच के नॉस्टैल्जिक फील करेंगे। इनके पास आपके फोटोग्राफ्स या फिर आपके कुछ वीडियोज़ हो सकते हैं जिनको ये देखेंगे और पास्ट के मेमोरी को पास्ट की मेमोरी में रहेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। यूनियन ज़रूर चाहते हैं ये इंसान आपसे, ठीक है, आपसे रियूनाइट ज़रूर करना चाहते हैं। इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या फिर यू नो कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, इनको ऐसा फील होगा इस टाइम पर।
फीलिंग्स इनकी कैसी है, ये आपसे फाइट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, सो ऐसी एनर्जी रहेगी इनकी इस टाइम पे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। फीलिंग्स दोनों ही ऐसे, मतलब दिल दिमाग दोनों से यही सोच रहे हैं कि आपसे लड़ना है इनको, ठीक है, आपसे कुछ बोलना है, आर्ग्यूमेंट करना है। एक्शन को लेके हो सकता है कि क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये लड़ना चाहते हैं आपसे। फीलिंग्स इनकी ऐसी रहेगी, ठीक है। एक क्लियरिटी चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं इस टाइम पे, और अगर बात भी आपसे करेंगे तो बहुत ऐसी बातें करेंगे जिससे कि आपका दिल दुखे। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ओके, आपसे क्या चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ चाहते हैं आपसे, आपसे चेंज चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप एक क्लियरिटी दें इनको, इस रिश्ते में आप बने रहना चाहते हो या नहीं, कि आप मूव ऑन कर रहे हो, कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, वो एक क्लियरिटी ये चाहते हैं, एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे ये, और कम्युनिकेशन चाहते ही है, और आपसे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप एक्शन लें, जो चीज़ें ख़राब हुई उनको आप ठीक करें, अगर कुछ चेंज की ज़रूरत है चेंज करें अपने बिहेवियर में, इनको चेंज होने के लिए बोले, या फिर कुछ ना कुछ चेंज अगर करना है तो उसको डिस्कस करें। एक क्लियर कम्युनिकेशन आपसे ज़रूर ये करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं आपसे कि आप कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करें, एक्शन आप लें, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे, इनको लगेगा कि कुछ भी एक स्टार्ट यहाँ पे मुश्किल है, या कोई अपॉर्चुनिटी या एक न्यू स्टार्ट यहाँ मुश्किल है। इनको अभी इस टाइम पे ऐसा फील होगा कि एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे ऑब्स्टिकल लगेगा इनको। इनको लगेगा कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती है, चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, और अब इनको इन चीज़ों को सही करना आसान नहीं होगा, इनको ऐसा लगेगा। कहीं ना कहीं ये इंसान के मन में प्यार आपके लिए बहुत रहेगा इस टाइम पे, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं प्यार आपको, भले कुछ और दिखाएंगे, आपको ये दिखाएंगे कि ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके साथ ये नहीं बने रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिखाएंगे, लेकिन प्यार इनके मन में बहुत है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बहुत प्यार को बताती है, लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी है कि प्यार तो बहुत करेंगे लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इनको एक्सप्रेस करना नहीं आएगा प्यार अपना, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपकी अगर हम बात करें तो आप इस टाइम पे ओवरऑल बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, अंदर से आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, तो बहुत ज़ोर बारिश हो रही है बाहर, मे बी आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा। ओके, सो इनको ये अंदर से आप ना स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है, डे बाय डे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और हर जगह आप एक स्ट्रांग एक्शन लेने का सोच रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, कहीं भी आप एक शेर की तरह भिड़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। इनके लिए फीलिंग्स क्या है आपकी, आप न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हो, आपका मन ज़रूर है इनके साथ फिर से एक न्यू स्टार्ट करें, एक रीस्टार्ट करें, एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर चाहिए फिर से, लेकिन आप इनसिक्योर हो, आप क्लियर नहीं हो, क्लियर माइंड हो, कि होता ना कि क्लियर डिसीजन ले लिया आपने कि नहीं आपको इनके साथ बढ़ना ही आगे, आप थोड़े से इनसिक्योर हो, इनडिसाइसिव हो रहे हो, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, चाहिए कि आपको थोड़ी फियर की एनर्जी भी है। सो रीयूनियन का जब भी आप सोचते होंगे तो अंदर आपके एक डर होता होगा कि फिर से चीज़ें खराब होंगी, फिर से ट्रिगर करेंगे, फिर से आप जो है लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। इनसे क्या चाहते हो आप चाहते हो कि ये अपना प्यार एक्सप्रेस करे, या आपको कोई ऑफर दे, कोई रोमांटिक बात आपसे करे, ये पहले की जो एक नेगेटिव एनर्जी थी उसको रिलीज़ करें, और ये इंसान आपके साथ प्यार भरी बातें करें, एक रोमांटिक प्रपोज़ल दें, आप ये चाहोगे, आप चाहोगे कि ये इंसान एक्सप्रेस करे, जो कि ये करेंगे नहीं, ठीक है, आपको पता है कि ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि ये इंसान एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को। ऑब्स्टिकल क्या होगा, आपको लग रहा है कि ये इंसान, इन्होंने एक वॉल क्रिएट किया है, और आपको लग रहा है कि ये इंसान अब आपको वापस से री एंटर नहीं करने देंगे, या फिर या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर आपने इनको ब्लॉक किया है, और अब अनब्लॉक कैसे होंगे, बातें कैसे स्टार्ट होंगी, ये चीज़ें आपको ऑब्स्टिकल लग रही है अब, ठीक है। आप इस टाइम पे सेल्फ लव करते दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे, अपने ऊपर बहुत फोकस रहेगा, अपने पेंटिकल्स पे, अपने आप में, अपनी ग्रोथ पे, अपनी ग्लो पे आपका बहुत फोकस रहेगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। और एस ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल आप चाहते ज़रूर है एक न्यू बिगनिंग, लेकिन वो जो न्यू बिगनिंग है ना, अगर वो सॉलिड न्यू बिगनिंग है, परमानेंट है, तो ही आप चाहोगे, अदरवाइज आप अपना पूरा फोकस इस टाइम अपने फाइनेंस पे, करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग, अब हम चेक करेंगे बाकी के मेरे सिंह राशि वालों के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। गाइड मेरे बाकी के सिंह राशि वाले व्यूअर्स जो हैं, जो कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं,
उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेशन डिवाइन प्लीज गाइड मेरी एंजल्स टाइम प्लीज ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्स की है. एक एक्शन लेने का आप सोचोगे, यू नो कुछ चीज़ें स्टार्ट करोगे फिर रुकोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे. ओके, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एरीज लियो सजेरियस. नहीं है तो फिर एनर्जीज पे जाइए, ठीक है. मुझे आपके साथ ये इंसान ना कोई फ्यूचर अपना देख रहे हैं, या तो मैरिज का प्रपोजल आपको दे सकते हैं, या फिर देने का सोच रहे हैं, या फिर एक स्टेप आगे लेके जाने का सोच रहे हैं जो आपका रिश्ता अभी है उससे, ठीक है. अगर बातचीत हो रही है तो कमिटमेंट तक लेके जा सकते हैं इसको, एंगेजमेंट कर सकते हैं, या ऐसा कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रही है इंसान आपको. ओके, बहुत हाईली अट्रैक्टेड हैं आपसे और आपको बहुत ज़्यादा ही इंसान अलग एक एनर्जी में देखते हैं, आपको किंग और क्वीन की तरह देखते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है. आपके साथ सक्सेस चाहेंगे इस टाइम ये इंसान. आप एक होता ना टैग देना आपको हस्बैंड या वाइफ बनाना, या फिर आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल इनकी तरफ से मिलेगा ऐसा लग रहा है मुझे, और सोसाइटी में आपको एक रिकॉग्निशन देना चाहते हैं इंसान, लाइक इनसे जुड़ इनके नाम से आपको जोड़ना चाहते हैं इंसान. आपके साथ कहीं ना कहीं ये सक्सेस दिख रहे हैं, अपने आप फ्यूचर देख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. यू नो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना चाहते हैं आपके साथ. मैरिड हैं अगर आप तो आपके हस्बैंड वाइफ के जो साइन हो सकते हैं वो लिब्रा दिख रहा है मुझे, कैंसर दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस दिख रहा है, ठीक है. आपके हस्बैंड और वाइफ यू नो चुपचाप आपके साथ न्याय करते दिखेंगे आपको इस टाइम पे. पहले पास्ट में अगर ये इंसान बहुत एफर्ट्स नहीं लगाते थे, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते थे, तो इस टाइम पे ये इंसान आपको ऑफ़र देंगे. छोटा सा ऑफ़र होगा लेकिन आपको अच्छा लगेगा, आपको सुकून लगेगा कि कम से कम ये इंसान कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं. सो चुपचाप धीरे से आपके साथ जस्टिस करेंगे, मतलब ज़्यादा बोलेंगे नहीं लेकिन जस्टिस करेंगे आपके साथ, कोशिश करेंगे जो खुशियाँ आपको चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं वो देने की कोशिश करेंगे. रूठ जाओगे आप तो बार बार आपको मनाएंगे, यू नो कुछ भी ऑफर कर सकते हैं आपको, छोटा बड़ा छोटा मोटा, जो कि आपको बहुत चाइल्डिश लग सकता है, लेकिन फिर भी आपको खुशी होगी कि इंसान कुछ ना कुछ एक्शन तो ले रहे हैं. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं कुछ एफर्ट्स इस टाइम लगाएंगे इस रिश्ते को बेटर करने के लिए, ठीक है. क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. यस, कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है, बहुत स्ट्रांग. ये इंसान इस टाइम पे कोई यू नो इनको कोई चीटिंग विटिंग कुछ ऐसी एनर्जी मिली है, किसी ने बिट्रेड किया इनको, और उसके बाद ये इंसान स्पिरिचुअल होना स्टार्ट हुए हैं, और इस टाइम इनकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो पीक पे रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है. बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हुए, वीडियोस को देखते हुए, आपको भी कुछ समझाते हुए, कोई ज्ञान देते हुए मुझे दिख रहे हैं इंसान. प्रपोजल हो सकता है मैरिज का प्रपोजल आपको दे ये इंसान, लेकिन शांत रहेंगे बहुत ज़्यादा. यू नो अगर प्रपोजल दे भी दिया तो बहुत इन्वॉल्व नहीं होंगे, बहुत खुशियाँ नहीं मनाएंगे, शांत रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है. सिंगल्स अगर आप हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं पास्ट में, और एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ का आप ज़रूर चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ज़रूर चाहते हो, कोई ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हो जो कि आपको आपके साथ ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी रहे, ऐसी एक एनर्जी की तलाश आपको है. मुझे नहीं दिख रहा कि इस टाइम आपकी लाइफ में कोई आ रही है या आ रहे हैं, थोड़ा सा और वेट आपको करना पड़ सकता है. ओके, ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्स की है. एक बहुत करेजियस एक्शन टेकर एनर्जी दिख रही है मुझे, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है. सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग. अब हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है. डिवाइन
कार्ड निकला था तो उसको ले लेते हैं ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है। एक्शन आप लोगे ज़रूर लेकिन थोड़ी स्लो मूविंग है ये। ओवरऑल जो एनर्जी इस टाइम पे रहेगी ना वो अपने सक्सेस के लिए आप काम करते दिख रहे हो मुझे। आपको जस्टिस चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी है कि आपको डिवाइन जस्टिस चाहिए। आपको ऐसा लगेगा इस टाइम पे कि आपने बहुत मेहनत किया है अपने करियर में, अपने करियर को बनाने में, लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिला। आप जितने भी मेहनत करते हो आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है। सो आप डिवाइन से कोई ऑफर या फिर डिवाइन से आप कोई मिराकल कोई न्याय एक्सपेक्ट करोगे इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है अपने सक्सेस के लिए। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, कहीं भी आपको जहाँ भी एफर्ट्स आप लगा रहे हो वहाँ आपको सक्सेस चाहिए, ऐसी की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में। करियर बिजनेस फाइनेंस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़े से जिद में दिख रहे हो आप। ठीक है, अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं हो रहा है फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप, मतलब एकदम डट के आप खड़े हो वहाँ, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हो अपने करियर में आप, या तो बहुत चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, जिसके चलते आप थोड़े से हर्ट हैं, लेकिन फिर भी जिद में दिख रहे हैं आप मुझे। ठीक है, अब और ज़्यादा फाइट करना चाहते हैं, और फाइट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो अगर ऐसी एनर्जी है, अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई बिजनेस आपने स्टार्टअप अगर कुछ किया है आपने, एनर्जी अगर अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कहीं आप इन्वेस्ट अगर कर रहे हो तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करने की जरूरत है वहां पे। ठीक है, थोड़ा सा करियर इस टाइम पे देखिए ये एनर्जी ऐसी है ना कि स्मार्ट वर्क करके अपने काम को निकालोगे आप इस टाइम पे। जो भी आपका प्रोफेशन है वहां आप स्मार्ट वर्क करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। स्ट्रैटेजी प्लान करना, स्मार्ट वर्क करना, किसी भी तरह से सक्सेस के लिए लड़ना, वैसी एनर्जी है आपकी। लेकिन इस टाइम में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा कि बहुत एफर्ट्स देने के बाद भी चीज़ें आपकी फेवर में नहीं आ रही हैं, ऐसी की एनर्जी दिख रही है, जो कि कुछ दिन की एनर्जी होगी, मे बी उसके बाद ठीक हो जाएगी। यहाँ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हेल्थ में मुझे लग रहा है कि एज सच में कोई इशू नहीं दिख रहा आपके हेल्थ में, होगा तो इमोशनल कोई बर्डन होगा, और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे, आप कहीं एक्शन लेना चाहते हो जो कि नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी से एक्शन चाहते हो जो कि नहीं हो रहा है, एक स्पीड एक मूवमेंट आप चाहते हो जो कि नहीं हो रहा है, ये इस टाइम पे ऑब्स्टिकल होगा। आप मूवमेंट चाह रहे हो, स्पीड चाह रहे हो लाइफ में, और वो हो नहीं रही है। ठीक है, और एक्शन लेना भी आप चाहते हो, पास से आपने बहुत कुछ सीखा है और वो सब कुछ अप्लाई करना चाहते हो अपने सक्सेस के लिए आप, लेकिन इस टाइम चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है, इसलिए आप नाराज़ हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। थोड़ा सा अपने चीज़ों को अपने तक ही रखें, मुझे ये लग रहा है। काम होने के पहले ही अगर आप सब कुछ बोल देते हैं तो यहाँ कोई इम्पॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा छुपा कर रखें चीज़ों को। ओके, काम जब हो जाए उसके बाद अपनों को बताएं। तो आपके इर्द गिर्द वैसे लोग हैं जो कि आपकी सक्सेस को इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचना कैसे है। कोई काम जब आप करना स्टार्ट जब आप करते हो उस टाइम मत बताओ, जब काम थोड़ा ठीक होने लगे उसके बाद आप बताओ। ठीक है, बताना तो पड़ेगा, अपने लोग हैं, है ना। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, एक्शन क्या रिसीव करोगी, एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रहा है और एक प्रैक्टिकलिटी दिख रही है आप में। आप अचीव करोगी ये प्रैक्टिकलिटी को। अगर आप बहुत इमोशनल थे पहले तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे इस टाइम पे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी बात बोलेंगे, लोगों का दिल दुख रहा है इससे आपको मतलब नहीं होगा, ऐसी एनर्जी रहेगी जो कि थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है ना, एकदम रूड आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, आपकी बातों को सुनकर किसी की आंखें नहीं भरनी चाहिए। ठीक है, किसी का दुख का कारण आप ना बने, इतना आपको ध्यान रखना है। सो आप आउटकम क्या रिसीव करोगे, आप बहुत प्रैक्टिकल होंगे इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा थोड़े एरोगेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इनसिक्योर एनर्जी भी होगी आपकी, वहाँ क्लैरिटी मिल सकती है जहाँ पे आप इनसिक्योर हैं, फियर जहाँ हैं, और एक न्यू बिगिनिंग दिख रहा है मुझे। ओवरऑल जो एनर्जी है ना वो थोड़ी स्लो मूविंग रहेगी इस टाइम पे। जो आपको स्पीड चाहिए वो स्पीड इस टाइम पे नहीं मिलेगा तो आप आपको वो ऑब्स्टिकल लग सकता है इस टाइम। ओके,
डिवाइन से हम गाइडेंस पूछ लेते हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय लियो फॉर देयर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। वन मोर टाइम प्लीज। Trusting heaven, you are safe, angels stand close, surrender your concern and allow a miracle to occur. जो भी problems आपके हैं surrender कीजिए। आपकी spirit team जो है वो आपको guide कर रही है। अपनी intuition को follow कीजिए। आपकी intuition जो बोल रही है वो higher realm से आपको downloads हो रहे हैं। सो अपने जो भी आपका concern है उसको surrender कीजिए divine पे, और miracle जो होने वाला है ना उसको अपने आप होने दे, force मत करें miracle के लिए, ठीक है। Love is yours, recognize the divine word, choose loving thoughts. Divine आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने अंदर की एक डिवाइन लाइट को आपको समझना है, और लविंग थॉट्स ही क्रिएट करने हैं। सो थॉट्स जो है वो हमारे बहुत पावरफुल होते हैं। जो भी थॉट आप क्रिएट करते हो वही आपकी रियलिटी होती है। सो थॉट जो है वो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे होने चाहिए आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, ठीक है। सो थॉट्स को क्लियर रखने की जरूरत है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। सो माय डियर लियोस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिले हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।